अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने ये पहले SEO क्या है उसका इंट्रोडक्शन देख लिया, उसका ओवरव्यू देख लिया, फिर हमने एक SEO चेकलिस्ट देखी जिसमें तकरीबन 26 डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज करेंगे SEO करने के लिए। सो ये एसेंशियल टिप्स हैं, ये एसेंशियल चेकलिस्ट है जिसके बगैर आप SEO नहीं कर सकते। सो आज हम उसका पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करेंगे कि इंस्टॉलिंग गूगल एनालिटिक्स, कि गूगल एनालिटिक्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये जब हम गूगल एनालिटिक्स इन डिटेल पढ़ेंगे तो वो सारा मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि गूगल एनालिटिक्स है क्या और गूगल एनालिटिक्स SEO परफॉर्मेंस में या टेक्निकल SEO में किस तरह से हेल्प करता है। सो आइए देखते हैं गूगल एनालिटिक्स है क्या। बेसिकली ओवरव्यू पे चलते हैं, और गूगल एनालिटिक्स एक ऐसा टूल है जो आपको एक कंप्लीट पिक्चर देता है, आपको इनसाइट्स देता है, आपको वेबसाइट पे जो डाटा जिस तरह से ट्रैफिक मूव कर रही होती है कि उसके डिफरेंट तरीके से डिटेल्स कैसे देता है, डिजाइन टू वर्क टुगेदर, गूगल एड, डाटा स्टूडियो एंड ऑप्टिमाइज, ये डिफरेंट इन टूल्स के साथ ये काम करता है। उसके बाद अगर हम इसके फीचर्स देखें कुछ, तो फीचर्स इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स हमें मिलती हैं, एनालिटिकल इंटेलिजेंस हमें मिलती है, ऑडियंस रिपोर्ट्स, एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट, एक्विजिशन रिपोर्ट्स, बिहेवियर रिपोर्ट्स, कन्वर्जन रिपोर्ट्स एंड ऑल दीज रिपोर्ट्स हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। फिर डाटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन, डाटा कलेक्शन एंड मैनेजमेंट अबाउट अवर वेबसाइट, देन डाटा एक्टिवेशन एंड इंटीग्रेशन विद डिफरेंट टूल्स, ये देख रहे हैं आप डिफरेंट टूल्स के साथ ये गूगल एनालिटिक्स इंटीग्रेटर। ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और फीचर्स गूगल एनालिटिक्स के बारे में जो हम लेटर ऑन भी स्टडी करेंगे। अब हम चलते हैं गूगल एनालिटिक्स हमें किस तरह से हेल्प करता है SEO में। तो SEO में जाते हुए आप देखेंगे SEO परफॉर्मेंस ऑफ योर वेबसाइट। सो यहाँ पे देखेंगे कि ट्रैफिक का सोर्स क्या है, डायरेक्ट, पेड, डिस्प्ले, एफिलिएट ट्रैफिक एंड अदर, ये डिफरेंट ट्रैफिक के सोर्सेज आ रहे हैं। सर्च इंजन यूज्ड यहाँ पे आ रहा है, गूगल यूज हुआ है, मोस्ट व्यूड पेजेस फ्रॉम SEO, तो ये पेजेस के सारे व्यूज के बारे में भी आपको बता रहा होगा। सो इस तरह से गूगल एनालिटिक्स से हम जो हमारी साइट की परफॉर्मेंस है या SEO परफॉर्मेंस है वो भी हम चेक कर सकते हैं। ट्रैफिक का मैंने आपको बता दिया, फिर कन्वर्जन हम गूगल एनालिटिक्स से चेक कर सकते हैं कि हमारी कन्वर्जन कितनी हुई है। सो वहां से कितने गोल्स कंप्लीट हुए हैं, हमारी परचेज कंप्लीटेड कितनी है, हमारे कार्ट में कितने लोग हैं, बिलिंग और शिपिंग में कितनी चीजें भी पड़ी हुई हैं, कितने प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, पेमेंट कितने लोगों की हो चुकी है, तो ये सारे की सारी फनल हमें भी बता रही होगी कि परचेज कंप्लीट हुई है। और इस परचेज कंप्लीट के एंड पे आप देखेंगे 21.27 हमारे पास कन्वर्जन रेट आ रहा है। सो इस कन्वर्जन रेट से हमें पता चल रहा है कि हमारी ट्रैफिक ज्यादातर जिसका सर्च इंजन गूगल से आ रही है उसमें कन्वर्जन रेट 21.5% है, 21.27%। फिर उसके बाद रेवेन्यू का जो पोर्शन है, रेवेन्यू का भी पोर्शन आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने यूजर हैं हमारे पास टोटल। सो इन यूजर्स और कन्वर्जन की बेस पे अगर आपने अपनी वेबसाइट के साथ रेवेन्यू का फीचर इंटीग्रेट किया हुआ है सो आप यहां से अपना रेवेन्यू का भी परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि आपने कितना रेवेन्यू बनाया। उसके बाद हमारे पास है एरब। थोड़ा सा डिटेल में जाने से पहले, एरब एक ऐसा टूल है जो गूगल एनालिटिक्स का रिप्लेसमेंट है, लेकिन ये SEO परफॉर्मेंस की तरफ ज्यादा एक्सपर्ट है, ये अच्छा टूल है फॉर SEO परफॉर्मेंस। सो SEO परफॉर्मेंस के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि बैकलिंक्स। तो बैकलिंक्स के लिए मैंने एक वेबसाइट चूज की है जो आपकी प्रो पाकिस्तानी वेबसाइट है। सो इसमें अगर आप देखेंगे तो बैकलिंक्स, इसको मैं सो विद पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि बैकलिंक्स ग्रो कर रहे हैं। अगर आपके बैकलिंक्स ग्रो कर रहे हैं कि किस किस के साथ इनका बैकलिंक क्रिएट हुआ हुआ है, कहाँ बैकलिंक्स इनके बने हुए हैं, तो ये सारी चीजें, ये सारी रिपोर्ट्स आपको दे देगा। सो यहाँ से आपने चेक करना है बैकलिंक्स के बारे में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कीवर्ड रैंकिंग, और कीवर्ड रैंकिंग में हमारे पास अगर आप देखेंगे तो कोई भी कीवर्ड देखेंगे ऑर्गेनिक कीवर्ड में तो प्रो पाकिस्तानी जो है वो जैज इंटरनेट पैकेजेस को और ये सारे के सारे उसके कीवर्ड की रैंकिंग आ रही। सो आप जब भी टेक्निकल SEO कर रहे होंगे सो आपने गूगल एनालिटिक्स में जाके उसकी वेबसाइट की ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, उसका सोर्स क्या है,
उस ट्रैफिक से कन्वर्जन कितनी हो रही है और उसमें से रेवेन्यू कितना आ रहा है, और किन कीवर्ड की बेस पे और किन बैक लिंकिंग की बेस पे आप ये सारे ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं या एसईओ कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए हम एक टूल यूज करेंगे कर रहे हैं, उसका एरफ नाम है। इस स्पेसिफिक पॉइंट नंबर वन के लिए आप गूगल एनालिटिक्स पे जाएं, गूगल एनालिटिक्स का डेमो अकाउंट आप उसको एक्सप्लोर करें, उसको लर्न करें, एंड देन एरफ पे आप एरफ पे जाएं, एरफ AHREF इसको कहते हैं, एरफ भी कहते हैं, इस पे जाएं आप और इसको भी आप एक्सप्लोर करें। इसका जो फ्री वर्जन है उसमें देखेंगे कीवर्ड रैंकिंग कैसे होती है, लिंक बिल्डिंग डिफरेंट वेबसाइट की चेक करेंगे कैसे उन्होंने लिंक बिल्डिंग की हुई है। सो इन तमाम चीजों से आप यूज करें इनको, इन पे प्रैक्टिस करें, एंड उसके बाद फिर हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस में यूएसड एसईओ प्लगइन किस तरह से इंस्टॉल होता है और किस तरह से हमारा जो एसईओ है वो 10 times बेटर एंड इजियर हो जाता है विद यूएसड प्लगइन। सो अगले लेक्चर में हम यूएसड प्लगइन का के बारे में सीखेंगे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।